हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान सी और सॉफ्ट पूरी बनाना देखेंगे। पूरी को आज हम दही का जो पानी होता है उससे बनाना देखेंगे। तो दही का पानी हमें निकालने के लिए इस तरह से हमने दही को एक कपड़े में बांधकर हंग करके इस तरह से 24 घंटे के लिए रख दिया था, तो जिससे कि इसका सारा पानी निकल गया था। तो ये हमने आधा कप पानी लिया है, ये हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है और ये दही का पानी है। इसमें हम नमक डालेंगे, अजवाइन या कैरम सीड। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इसमें हम दही के पानी को डालकर अच्छे से आटे को गूंद कर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने पूरी के लिए डो को बना लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो इसे हम लोइयां बना लेंगे पूरी के लिए। इस तरह से हमने पूरी के लिए लोइयां बना ली हैं। ये आप देख सकते हैं कि आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इस आटे को हम जैसा रोटी के लिए आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट ही रखते हैं, तो पूरी हमारी बहुत ही अच्छी से बनके तैयार होती है। तो चलिए अब पूरियों को हम बेल लेंगे। पूरी को बेलने के लिए लोई को हम इस तरह से रखकर दबा लेंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से बेल के तैयार हो जाएगा और इसमें हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेलने में आपकी पूरी चिपके तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल या तो फिर सूखा गेहूं का आटा भी लगा के इसको बेल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से पूरियां इस तरह से बेल के तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। पूरी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अब हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो इसमें हम पूरियों को डालेंगे और एकदम तेज आंच पे पूरियों को हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हम पूरियों को हल्का सा दबाते रहेंगे जिससे कि पूरियां अच्छे से फूले। अब इसको हम पलट लेंगे। पूरी जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए दोनों तरफ से, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये पूरियां बहुत ही जल्दी से सिक कर तैयार हो जाती हैं। लीजिए दोस्तों, बनके तैयार हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट ये दही की पूरी, जिसको कि हमने हंग कट बनाने के बाद जो पानी बचता है उससे बनाया है। तो आप इसे बड़े ही आसानी से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और दही का पानी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।